Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I'm here with this book Moments. So we are going through this book and we have already completed two chapters and their question and answers successfully. If you haven't visited the same, go to the playlist and watch the video. I have already created a playlist, Class 9th Moments. Okay. So if you haven't visited, if you have missed any of the particular video, previous video, you can watch there. It's all there in the playlist, right? So today we will start the third chapter, and this chapter is Ishwaran basically, the storyteller. So class 9, chapter 3, and this is the part 1. So let's start the story. Yes. So Ishwaran, the storyteller, this is the name of the चैप्टर. तो चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो स्टोरी के स्टार्ट करने के पहले लेट्स रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर. वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वोक अप. तो महिंद्रा किसी का नाम है, तो महिंद्रा की नींद खुलती है फ्रॉम हिज स्लीप. तो एक व्यक्ति है महिंद्रा जो कि सो रहा था, उसकी नींद खुलती है एंड वो उसकी अचानक से नींद खुलती है और वो देखता है. सो क्या देखता है? अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जो कि धुंधला है, क्लाउडी है और डार्क कलर का है. ही ब्रोक आउट इन टू द कोल्ड स्वेट. वॉज इट अ घोस्ट? उसे एकदम ठंडा पसीना आ जाता है, तो पसीने छूट जाते हैं. एक तो होता है ना गर्मी से पसीना आना. कोल्ड स्वेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक होता है गर्मी से पसीना आना और एक होता है कि एकदम हालत खराब हो जाना डर के मारे. तो डर के मारे पसीना आना, तो उसकी जो है हालत खराब हो जाती है एंड वो सोचता है कि क्या था बेसिकली ये. वॉज इट अ घोस्ट? क्या ये भूत था? तो क्या हो सकता है बताइए, सोचिए. तब तक आप सोचते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन. तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक नौजवान आदमी किसी व्यक्ति गणेश नाम के व्यक्ति को सुना रहा है. महिंद्रा बाय नेम. तो जो यंग मैन है जो स्टोरी सुना रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है महिंद्रा. तो महिंद्रा नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक नौजवान व्यक्ति है, वो ये स्टोरी किसको सुना रहा है? गणेश को. यानी कि यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं, एक तो व्यक्ति है जिसका नाम है महिंद्रा. तो ये जो महिंद्रा है ये स्टोरी सुना रहा है और ये स्टोरी नरेट किसको कर रहा है? एक दूसरे व्यक्ति को कर रहा है जिसका नाम है गणेश. तो ये दो लोग जो है यहाँ पर बैठ कर जहाँ भी पर्टिकुलरली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसमें से ये जो महिंद्रा है ये गणेश को एक स्टोरी सुना रहा है. He was a junior supervisor in the firm, which offered on a higher supervisors at various types of construction sites. तो ये जो व्यक्ति महिंद्रा है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि he was a junior supervisor. इसकी पोस्ट क्या है? एक सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर एक व्यक्ति होता है जो चीजों को सुपरवाइज करता है, चीजों को चेक करता है कि वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो सुपरवाइजर है वो, और किसी पर्टिकुलर फर्म में. किसी फर्म का मतलब होता है कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री बेसिकली. तो किसी फैक्ट्री में ये महिंद्रा जो है नौजवान आदमी है और ये क्या करता है? एक सुपरविजन का काम करता है. ठीक है. अब ये जो इसकी कंपनी है ये किस तरह का काम करती है? ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए काम करती है. जैसे बेसिकली क्या करती है? सुपरवाइजर्स जो है मतलब अलग अलग कंपनीज में चेकिंग के लिए लोगों को प्रोवाइड करवाती है. मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स ऑन, ये सब जब बनते हैं ना, तो इसको कोई सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए होता है कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये यही काम करती है. महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. तो महिंद्रा का काम क्या है? महिंद्रा का काम है कि जो काम का वर्क साइट है, जहाँ पर काम होता है, उस पर्टिकुलर साइट पे जो भी काम हो रहा है उस पर कीप एन आई का मतलब नजर रखने का काम करता है. ठीक है. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. तो ये जो व्यक्ति है, अब अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग वर्क साइट्स हैं, तो इनका काम भी अलग अलग होगा और ये काम अलग अलग चेंज होता रहता होगा जगह जगह पे. तो ये व्यक्ति का भी जो प्लेस है वो हर वक्त 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 पे बदलता रहता है. ट्रांसफरेबल जॉब है बेसिकली. ठीक है. एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस,
फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। तो जैसे ही इसके जो हेड हैं इसको ऑर्डर देते हैं, हेड ऑफिस से जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से ये अपनी प्लेस को चेंज करता रहता है। कभी ये कोल माइनिंग में जाकर सुपरविजन करता है तो कभी ये रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन करता है। तो इसके सुपरविजन का जो प्लेस है वो बदलता रहता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू अ केमिकल प्लांट, कुछ समय बाद उसे केमिकल प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है विच वॉज कमिंग अप समवेयर। तो ये जो इस तरीके से इसकी जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि इसकी कैसी जॉब है, बड़ी ट्रांसफरेबल सी जॉब है जिसमें बार बार चेंजेस हुआ करते हैं। ओके, ही वॉज अ बैचलर। बैचलर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनमैरिड है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो महिंद्रा वॉज अ बैचलर। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन। ये बैचलर है और इसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत सिंपल हैं। इसको कोई बहुत हाई फाई या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए ये इस चीज़ में एबल होता है, सक्षम होता है कि वो किसी भी तरह की एक अजीब सी परिस्थिति, ऑड कंडीशंस का मतलब होता है बेसिकली कि एक ऐसी परिस्थिति जो कि नॉर्मल नहीं हो, कहते ना ऑड अजीब सी परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर लेता है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, अगर वो एक ऐसी जगह है जो गेस्ट सर्किट हाउस का मतलब होता है गेस्ट हाउस, अगर वो कोई गेस्ट हाउस में इसको रोकने को कहा जाता है तो वो गेस्ट हाउस में भी रुक जाता है। इल इक्विप्ड मतलब जहाँ पर अच्छे से संसाधन या साधन नहीं है, तो अनफर्निश्ड बेकार से किसी गेस्ट हाउस में रुकने को कहा जाए तो वहाँ भी रुक जाता है। और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, इसके अलावा कभी कभी वो जो है टेम्प्ररी टेंट्स में भी रुक जाता है, अगर कहीं पर कोई काम ऐसा हो रहा है जहाँ पर उसे मेक शिफ्ट कैनवस का मतलब होता है टेम्प्ररी जो टेंट लगाया जाता है, जिससे टेंट वेंट लगा के लोग नहीं रेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आराम से रुक जाता है। मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, तो किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर उसे टेंट वेंट लगा के रुकना पड़े तो वहाँ भी रुक जाता है। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, उसकी जीवन में सिर्फ एक ही उसकी संपत्ति है, उसकी संपत्ति के नाम पर उसके पास एक ही चीज़ है, वो कौन है, वो है उसका कुक, उसका जो है कुक मतलब खाना बनाने वाला, जिसका नाम है ईश्वरन। तो हम इसी के बारे में स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो ईश्वरन एक कुक है और ये जो है उस महिंद्रा का असेट है, महिंद्रा की क्या है, ये संपत्ति है। ठीक है, द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू द महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनेबली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो कुक जो है इसका जो दिल से लगाव है वो महिंद्रा से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो महिंद्रा जहाँ जहाँ भी ट्रांसफर होके जाता है उसके साथ साथ उसका कुक भी चला जाता है। तो उसका जो कुक है उसको बहुत अच्छा लगता है महिंद्रा के साथ रहना, इसलिए अनकम्प्लेनेबली, ऐसा नहीं है कि उसे वो शिकायत है, वो अपनी मर्जी से इसके साथ में जहाँ वो जाता है इसके साथ साथ चला जाता है। जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है, जहाँ जहाँ महिंद्रा का ट्रांसफर होता है, वहाँ वहाँ ये व्यक्ति इसके साथ में चला जाता है। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो क्या काम करता है ये ईश्वरन? ईश्वरन जो है खाना बनाता है महिंद्रा के लिए, महिंद्रा के कपड़े धोता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम वो करता है वो क्या करता है, चैटिंग मतलब कि बातें करता है, बातें करता है अपने मास्टर से बातें करता है, और उसके साथ रात में जो है बातें बातें करता रहता है। ठीक है, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंटीडोट्स ऑन वेरी वेरी सब्जेक्ट एंड वो क्या करता है, वो बुनता है, वीव मतलब बुनता है, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है, बिना अंत वाली कहानियां सोचता रहता है, बनाता रहता है। एंटीडोट्स का मतलब ये होता है स्मॉल स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज बनाता रहता है अलग अलग टॉपिक्स पर और अपने मास्टर को सुनाता रहता है। ईश्वरन also had amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. तो इस व्यक्ति के अंदर और भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि वो वेजिटेबल्स उगा सकता है और इसके अलावा खाना वाना भी बहुत अच्छा बना सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टोरी है इसके आगे की जब हम बात करेंगे तो इस स्टोरी को हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो फॉर टुडे दिस विल बी इनफ फॉर टुडे, सो गो थ्रू इट एंड आई होप यू मस्ट हैव रिटन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द प्रीवियस टू चैप्टर्स। सो अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, राइट द वर्ड मीनिंग्स इन द बुक इटसेल्फ एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स।
stay blessed and must subscribe to the channel if you haven't done yet. Thank you.